हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 46 तक सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 47। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। हिंदुस्तान लिमिटेड इश्यू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट 20% प्रीमियम। हिंदुस्तान लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स इश्यू किए, पर शेयर का वैल्यू दिया हुआ है ₹20। 20% के प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू किया गया है, ओके, एंड जिसका पेमेंट ऐसे किया गया। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग एक और चीज का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर्स को इश्यू किए, बट आपके क्वेश्चन में कहीं ये गिवन नहीं कि कंपनी ने किसके साथ प्रीमियम मनी मांगा। मतलब कंपनी ने एप्लीकेशन के टाइम में मांगा प्रीमियम मनी, या फिर अलॉटमेंट के टाइम में, या फिर कॉल्स के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो जब ऐसा कुछ गिवन नहीं रहता है तो हम समझते हैं कि कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मनी मांगा होगा, ओके। मैंने क्या बोला, जब प्रीमियम मनी का कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, प्रीमियम मनी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो कि कंपनी ने किसके साथ मांगा, तो हम समझते हैं कंपनी ने अलॉटमेंट मनी के साथ ही प्रीमियम मनी भी मांगा होगा। टोटल ₹6 में प्रीमियम मनी भी इंक्लूड है, ओके स्टूडेंट्स। तो पहले देखिए प्रीमियम मनी कितना होगा, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कंपनी ने प्रीमियम के टाइम में कितना मनी मांगा। यहाँ तो परसेंटेज में दिया हुआ है ना, तो देखिए फेस वैल्यू को हम 20% कैलकुलेट करेंगे। फेस वैल्यू 20 है ना, पर शेयर का वैल्यू है ₹20, तो 20 × 20/100। फेस वैल्यू 20 है एंड 20% है, तो 20 × 20/100 2 × 2 = 4। इसका मतलब ₹4 यहाँ पे प्रीमियम मनी है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कंपनी ने टोटल अलॉटमेंट के टाइम में ₹6 के हिसाब से पेमेंट मांगा है, तो इसमें ₹2 अलॉटमेंट मनी होगा एंड ₹4 प्रीमियम मनी होगा, ओके। यहाँ तक का आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही इजी पॉइंट था ये। आगे देखिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। टोटल 20,000 शेयर्स को कंपनी ने इश्यू किया, बट उसमें से सिर्फ 18,000 शेयर्स के ही एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, ओके। अंडर सब्सक्रिप्शन वाला केस है, तो यहाँ पे 20,000 शेयर्स का कोई रोल नहीं है, सारे कैलकुलेशन 18,000 शेयर्स से ही हमें करने हैं। ऑल मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। सारे पेमेंट्स हो गए, बट वसुंधरा ने 500 शेयर्स लिए थे जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है, एंड अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। सेकेंड पॉइंट इज, तपस्या होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। तपस्या ने 300 शेयर्स लिए थे, इसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। स्वर्णा होल्डिंग 400 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। स्वर्णा ने 400 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया, तो कंपनी ने इसके भी शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एज फुली पेड अप। कंपनी ने जितने भी शेयर्स को फॉरफिट किया है, सबको कंपनी ने 10% के डिस्काउंट पे इश्यू किया है, ओके। इसमें हमें जनरल एंट्री पास करना है, तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन इसका काफी लंबा होगा। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी को जब बैंक में डिपॉजिट किया जाता है वाली एंट्री करेंगे, तो वाली एंट्री क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ लिखेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल कंपनी ने 18,000 शेयर्स इश्यू किए, कंपनी ने टोटल 20,000 शेयर्स इश्यू किए थे, बट सिर्फ 18,000 शेयर्स के एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं, तो कंपनी ने 18,000 शेयर्स को ही इश्यू कर दिया, ठीक। तो 18,000 से ही अब हम इंटू करेंगे, 18,000 × एप्लीकेशन मनी, 18,000 × 5 ये हो जाएगा 90,000 and 90,000, ओके। इसके बाद एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो वॉल एंट्री हो जाएगी। पहले यहाँ नरेशन हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 and 90,000। नरेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी
ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक का समझ में आया? इसके बाद कंपनी जब अलॉटमेंट मनी मांगेगी तो वॉल एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट में हो जाएगा स्टूडेंट। सबसे पहले हम एंट्री बना लेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड यहाँ एक और एंट्री बन जाएगी। कौन सी एंट्री? अलॉटमेंट के टाइम में ही कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा था, तो यहाँ प्रीमियम वाली भी एंट्री बन जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मैंने आपको बताया है ना, जब आपके क्वेश्चन में प्रीमियम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो कि कंपनी ने प्रीमियम मनी किसके साथ मांगा, तो हम समझते हैं कि कंपनी ने प्रीमियम मनी अलॉटमेंट के साथ मांगा होगा। तो यहाँ पे टोटल 6 रुपए अलॉटमेंट मनी है, जिसमें 2 रुपए अलॉटमेंट मनी है एंड 4 रुपए प्रीमियम मनी है। ओके, देखिए एंट्री कैसे हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? तो 18,000 × 6, ये हो जाएगा 1,08,000। एंड शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 18,000। 18,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुए थे, तो कंपनी ने 18,000 शेयर्स को ही इश्यू किया है। 18,000 × 2, ये हो जाएगा 36,000। एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना हो जाएगा? 18,000 × प्रीमियम मनी × 4, ये हो जाएगा 72,000। एंट्री समझ में आई? नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट मनी अलोंग विद प्रीमियम मनी ड्यू। ओके, नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी को जब बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा, वॉली एंट्री करेंगे। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है कि वसुंधरा होल्डिंग 500 शेयर्स। वसुंधरा ने 500 शेयर्स लिए थे, जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन, टोटल कंपनी ने 18,000 शेयर्स का पेमेंट मांगा था, जिसमें से अलॉटमेंट के टाइम में 500 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। माइनस करेंगे 17,500 आएगा। इसका मतलब अलॉटमेंट के टाइम में सिर्फ 17,500 शेयर्स के ही पेमेंट आए हैं। तो 17,500 × अलॉटमेंट मनी × 6, ये हो जाएगा 1,05,000 एंड 1,05,000। नरेशन हो जाएगा अलॉटमेंट रिसीव्ड। इसके बाद इस नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, तो यहाँ पे हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। अलॉटमेंट के बाद हम शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। ओके, इस 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, तो फॉरफीचर वाली एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मनी भी मांगा था, तो वसुंधरा ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया, उसके साथ साथ उसने प्रीमियम का भी पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे डेबिट साइड में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा। टू अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट मनी उसने पे नहीं किया था, तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर। एंट्री समझ में आई आप लोगों को? यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम मनी मांगा था। एंड जब फॉरफिटेड शेयर्स पे प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होता है, तो उस केस में एंट्री ऐसे बनती है। अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इंटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना। 500 शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, 500 × कितना हो जाएगा? कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे कितना है? वसुंधरा से कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से अभी तक का पेमेंट मांगा था?
अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया है, तो मतलब एप्लीकेशन मनी मांगा गया होगा उससे एंड अलॉटमेंट मनी मांगा गया होगा, उसके आगे कोई पेमेंट नहीं मांगा गया होगा क्योंकि उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉल्ड अप वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस अलॉटमेंट मनी, मतलब 5 प्लस 2, सिर्फ 2 को हम ऐड करेंगे, टोटल 6 को हम ऐड नहीं करेंगे। शेयर कैपिटल में प्रीमियम मनी को एक्सक्लूड करके लिखते हैं। ओके, कॉल्ड अप वैल्यू में यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन मनी आ जाएगा, मतलब सिर्फ 5 रुपीज प्लस 2 रुपीज, सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी आएगा, इसमें से प्रीमियम को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, तो यहाँ ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 500 × 7 ये हो जाएगा 3500, ये आ जाएगा शेयर कैपिटल में। प्रीमियम मनी की एंट्री हम अलग से करेंगे। ओके, शेयर कैपिटल में प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे एंड प्रीमियम की एंट्री हम अलग से करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू प्रीमियम मनी 500 × 4 ये हो जाएगा 2000, एंड अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे, तो कंपनी ने अलॉटमेंट के टाइम में टोटल 6 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था, तो टोटल 6 रुपए के हिसाब से लिखेंगे। 500 शेयर्स को फॉरफीट किया गया है इनटू 6, ये हो जाएगा 3000। जब प्रीमियम मनी रिसीव नहीं होता तो ऐसी एंट्री होती है ना, मैंने पीछे के और सारे क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन किया है। फॉरफीचर में कितना हो जाएगा, सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था 500 शेयर्स पे, तो 500 × 5 ये हो जाएगा 2500, यहाँ लिखेंगे 2500। ओके, एंट्री समझ में आई, नरेशन हो जाएगा 500 शेयर्स फॉरफीटेड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखिए, जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंट्री यही होती है ना, एंट्री सारे बच्चों को समझ में आएगा, नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल ड्यू, अमाउंट कितना हो जाएगा इसमें, तो फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी कितने शेयर्स का पेमेंट मांगेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 18,000 शेयर्स को इश्यू किया था, बट उसमें से 500 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए थे, तो कंपनी ने 500 शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, मतलब 500 शेयर्स को कंपनी ने कैंसिल कर दिया। अब फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी सिर्फ 17,500 शेयर्स का ही पेमेंट मांगेगी। ओके, फर्स्ट कॉल के टाइम में हम 17,500 शेयर्स से ही इंटू करेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने 500 शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। तो यहाँ हो जाएगा 17,500 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, 17,500 इंटू 7, ये हो जाएगा 1,22,500, समझ में आया। इसके बाद पेमेंट वाली एंट्री करेंगे, फर्स्ट कॉल के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अब देखेंगे हम फर्स्ट कॉल पे कितना पेमेंट आया कंपनी को। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल 17,500 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे फर्स्ट कॉल के टाइम में, समझ में आ रहा है ना, 17,500 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे कंपनी ने, जिसमें से 300 शेयर्स के पेमेंट नहीं हुए फर्स्ट कॉल के टाइम में, एंड 400 शेयर्स के भी पेमेंट नहीं हुए। तपस्या ने 300 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया, एंड स्वर्णा ने 400 शेयर्स लिए थे जिसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं किया। तो फर्स्ट कॉल के बैंक पेमेंट के टाइम में हम 17,500 में से 300 को एंड 400 इन दोनों को माइनस करेंगे, 17,500 माइनस 300 एंड 400 कितना हो जाएगा, ये 16,800। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम में सिर्फ 16,800 शेयर्स के ही पेमेंट आए हैं, तो बैंक अकाउंट में हम कितना लिखेंगे, 16,800 इंटू फर्स्ट कॉल मनी इंटू 7, ये हो जाएगा
1,17,600, 1,17,600, समझ में आया? नरेशन हो जाएगा फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। समझ में आया स्टूडेंट्स आप लोगों को? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से कैलकुलेशन देखिए। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने टोटल 17,500 शेयर्स के पेमेंट मांगे थे, जिसमें से 300 एंड 400 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। तो टोटल 17,500 में से हम 300 एंड 400 को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा, जो शेयर्स बचेंगे, उस शेयर्स को फर्स्ट कॉल मनी से इंटू करके बैंक अकाउंट में लिख देंगे। ओके, ये हो जाएगा 1,17,600। यहां तक का समझ में आया? इसके बाद देखिए, फर्स्ट कॉल के बाद भी कंपनी ने 300 शेयर्स को फॉरफीट किया था, यहाँ लिखा हुआ है, एंड हर शेयर्स वर फॉरफीटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने तपस्या के शेयर्स को कैंसिल कर दिया, इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया। तब हम फॉरफीचर वाली एंट्री बनाएंगे। फॉरफीचर वाली एंट्री भी बहुत ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम मनी तो मांगा नहीं था, तो प्रीमियम वाली एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं आया, तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। अकाउंट तपस्या के शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, तपस्या ने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया था, तो यहाँ हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए अमाउंट कितना हो जाएगा, तो शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू होता है ना, तो 300 शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, 300 इनटू कितने रुपए के हिसाब से कंपनी ने पेमेंट मांगा था, तो तपस्या से एप्लीकेशन मनी मांगा गया था प्लस अलॉटमेंट मनी मांगा गया था एंड फर्स्ट कॉल का पेमेंट मांगा था कंपनी ने। फर्स्ट कॉल का पेमेंट उसने नहीं किया, तो उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, तो कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट मनी में स्टूडेंट्स हम सिर्फ 2 रुपीज को लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब शेयर होल्डर्स प्रीमियम मनी पे कर देते हैं तो कंपनी जनरल एंट्री में कहीं ये शो नहीं करती है कि शेयर होल्डर ने प्रीमियम मनी पे किया था, तो यहाँ पे हम प्रीमियम को एक्सक्लूड करके ऐड करेंगे। ओके, ये हो जाएगा 5 + 2 प्लस फर्स्ट कॉल मनी 7 हो गया ना। कॉल्ड अप वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 + 2 + 7 ये हो जाएगा 14, 300 × 14 ये हो जाएगा 4,200। शेयर कैपिटल में हो जाएगा 4,200। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल में कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू फर्स्ट कॉल 300 × 7 ये हो जाएगा 2,100। एंड शेयर फॉर फ्यूचर में कितना हो जाएगा, तो तपस्या ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी पे कर दिया था, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट मनी, यहाँ पे भी हम प्रीमियम को एक्सक्लूड करके लिखेंगे, अलॉटमेंट में हम सिर्फ 2 रुपए के हिसाब से इंटू करेंगे। ओके, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट ये हो जाएगा 5 + 2 = 7, तो शेयर फॉर फ्यूचर में कितना हो जाएगा, 500 × 7 ये हो जाएगा 2,100। हो गया ना, समझ में आया आप लोगों को? नरेशन हो जाएगा 300 शेयर्स फॉरफीटेड, यहां तक का क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री, जब कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट मांगेगी तो वो वाली एंट्री करेंगे, यहां हो जाएगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स का पेमेंट आया बैंक में, तो यहाँ हम समझेंगे, कंपनी ने देखिए टोटल 18,000 शेयर्स को इशू किया था, जिसमें से 500 शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया, 500 शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया एंड 300 शेयर्स को भी कैंसिल किया गया। वसुंधरा एंड तपस्या, इन दोनों के शेयर्स को कंपनी ने
फॉरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया एंड उसके बाद कंपनी ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पेमेंट मांगा था। यहाँ लिखा हुआ है ना, अलॉटमेंट के बाद 500 शेयर्स को फॉरफीट किया गया एंड फर्स्ट कॉल के बाद 300 शेयर्स को फॉरफीट किया गया, उसके बाद कंपनी ने सेकेंड कॉल का पेमेंट मांगा। तो सेकेंड कॉल पे कंपनी कितने शेयर्स का पेमेंट मांगेगी? 18,000 माइनस 800, ये हो जाएगा 17,200। 17,200 शेयर्स का पेमेंट कंपनी मांगेगी सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। तो 17,200 इंटू सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी 17,200 इंटू 6, ये हो जाएगा 1,03,200 एंड 1,03,200। ये हो गया, यहां तक का समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा वॉले एंट्री करेंगे। नरेशन क्या हो जाएगा इसका? फाइनल कॉल ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल का। अब देखेंगे हम फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया जाएगा। टू शेयर फाइनल कॉल अमाउंट कितना हो जाएगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने टोटल फाइनल कॉल के टाइम में 17,200 शेयर्स का पेमेंट मांगा था, जिसमें से 400 शेयर्स का पेमेंट नहीं आया। स्वर्णा ने 400 शेयर्स लिए थे, जिसने फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं किया था एंड सेकेंड कॉल का भी पेमेंट नहीं किया था। तो फर्स्ट कॉल के एंट्री के टाइम में हमने 400 को माइनस किया था ना, सेम वैसे हम सेकेंड कॉल के पेमेंट के टाइम में भी 400 को माइनस कर देंगे। स्वर्णा ने सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया था, मतलब टोटल 17,200 शेयर्स में से 400 शेयर्स के पेमेंट नहीं आए। तो ये हो जाएगा 16,800 शेयर्स। इसका मतलब सेकेंड कॉल के टाइम में 16,800 शेयर्स के ही पेमेंट आए। ओके, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट में 16,800 इंटू फाइनल कॉल मनी, ये हो जाएगा 1,08,000। इंटू करके आप लोग देखिएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा 1,08,000। ओके, नरेशन हो जाएगा फाइनल कॉल रिसीव्ड, अब देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए फाइनल कॉल के बाद भी कंपनी ने 400 शेयर्स को फॉरफीट किया, तो फॉरफीचर वाली एंट्री हम बनाएंगे अब। तो फॉरफीचर वाली एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया था एंड फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं आया था, तो यहां लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। एंट्री समझ में आई स्टूडेंट्स आप लोगों को? यहाँ पे हमने फर्स्ट कॉल क्यों लिखा? क्योंकि जिस शेयर को अब हम फॉरफीट करने जा रहे हैं, 400 शेयर्स को फॉरफीट किया जा रहा है, इस 400 शेयर्स की हम एंट्री करने जा रहे हैं ना, तो 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं आया एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं आया, इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी लिखेंगे एंड फाइनल कॉल भी लिखेंगे। ओके, अब अमाउंट कितना लिखेंगे? तो देखिए शेयर कैपिटल में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा? कॉल्ड अप वैल्यू यहाँ पे टोटल हो जाएगा। सेकेंड कॉल के टाइम में कंपनी ने टोटल पेमेंट मांगा था, एप्लीकेशन का भी पेमेंट मांगा, अलॉटमेंट का भी, फर्स्ट कॉल का भी एंड फाइनल कॉल का भी, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा 400 इंटू 20। फेस वैल्यू कितना है? 20 है ना, तो 400 इंटू 20, ये हो जाएगा 8,000 एंड 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के टाइम में कंपनी ने कितना मांगा था? 400 इंटू फर्स्ट कॉल मनी, 400 इंटू 7, ये हो जाएगा 2,800 एंड फाइनल कॉल में कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड इनटू फाइनल कॉल, 400 इंटू 6, ये हो जाएगा 2,400 एंड फॉरफीचर में कितना हो जाएगा? तो स्वर्णा ने फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल का पेमेंट नहीं किया था, इसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पेमेंट कर दिया था,
तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से मांगा था? एप्लीकेशन पे 5 रुपए के हिसाब से प्लस अलॉटमेंट पे 2 रुपए के हिसाब से, टोटल 6 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगा था। बट यहाँ पे हम प्रीमियम को एक्सक्लूड करके लिखेंगे, क्योंकि मैंने बार बार रिपीट किया है कि कंपनी को जब प्रीमियम मनी रिसीव हो जाता है तो कंपनी एंट्री में शो नहीं करती है, तो इसीलिए यहाँ पे हम प्रीमियम को एक्सक्लूड कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 400 × 7, ये हो जाएगा 2800। शेयर फॉर फीचर में लिखेंगे 2800। ओके, नरेशन क्या हो जाएगा, 400 शेयर्स फॉरफिटेड, इसके बाद रीइश्यू वाली भी एंट्री करेंगे। कंपनी ने सारे फॉरफिटेड शेयर्स को 10% के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, तो हम इस कॉपी में कर लेंगे। यहाँ पे जगह नहीं रह गया, यहाँ देखिए काफी लंबा जनरल एंट्री था ये। रीइश्यू वाली एंट्री क्या हो जाएगी, कंपनी ने डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री समझ में आई सारे बच्चों को? तो देखेंगे हम कंपनी ने कितने शेयर्स को री इश्यू किया है। यहाँ लिखा हुआ ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, सारे फॉरफिटेड शेयर्स को री इश्यू किया गया है, तो कितना हो जाएगा 500 + 300 + 400। 500 को भी फॉरफिट किया गया, 300 को भी फॉरफिट किया गया एंड 400 को भी फॉरफिट किया, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1200। देखिए 500 + 300 + 400, ये हो जाएगा 1200। ओके, 1200 शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, तो बैंक अकाउंट में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू इनटू कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया था। यहाँ सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि 10% के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया, तो पहले हम फेस वैल्यू का 10% कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा 20 × 10/100, 2 रुपए हो जाएगा, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है, कंपनी ने 2 रुपए के डिस्काउंट पे रीइश्यू किया है, तो फेस वैल्यू था 20 एंड 2 रुपए का उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो माइनस करेंगे ये 18 हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी ने 1200 शेयर्स को 18 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया है। ओके, तो 1200 × 18, ये हो जाएगा 21,600 एंड शेयर फॉर फ्यूचर में कितना हो जाएगा 1200 × 2, फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट वाले अमाउंट को लिखते हैं ना, तो 2 रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 1200 × 2, ये हो जाएगा 2400 एंड शेयर कैपिटल में यहाँ लिखा हुआ है कि एज फुली पेड अप, मतलब 20 रुपए वाले शेयर्स को 18 रुपए के हिसाब से रीइश्यू किया गया है, तो 1200 × 20, ये हो जाएगा 24,000। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को रीइश्यू वाली भी एंट्री अच्छे से समझ में आई हो। इन नरेशन आप लोग कर लीजिएगा 1200 शेयर्स रीइश्यू। ओके, उसके बाद यहाँ हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपनी ने जितने शेयर्स को फॉरफिट किया था उतने ही शेयर को कंपनी ने रीइश्यू भी कर दिया, तो पहले हम सारे फॉरफिचर वाले अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले फॉरफिचर वाली एंट्री हमने यहां बनाई थी, यहाँ 2500 है, उसके बाद हमने यहां पे बनाया 2100 आया। देखिए जितने भी फॉरफिचर वाले अमाउंट है ना उनको हम ऐड कर लेंगे। सबसे पहले 2500 आया था अलॉटमेंट के टाइम में जब हमने बनाया था, उसके बाद 2100 आया, उसके बाद फाइनल कॉल के टाइम में हमने बनाया था, फॉरफिचर वाला अमाउंट कितना था 2800। सबको हम टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7400। फॉरफिचर में से हम डेबिट साइड वाले फॉरफिचर को माइनस करते हैं ना, क्रेडिट साइड वाले फॉरफिचर में से हम डेबिट साइड वाले को माइनस करने के बाद यहाँ लिखते हैं, तो सारे क्रेडिट साइड वाले फॉरफिचर को हम ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7400। 7400 में से हम डेबिट साइड वाले फॉरफिचर को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 5000। 5000 यहाँ पे हम लिख देंगे, डायरेक्ट 5000 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि कंपनी ने जितने शेयर्स को
फॉरफीट किया था उतने ही शेयर को कंपनी ने रीइश्यू भी कर दिया, तो डायरेक्ट हम सारे क्रेडिट साइड वाले फॉरफीचर को ऐड करेंगे, उसमें से डेबिट साइड वाले फॉरफीचर को माइनस करेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व का बैलेंस, ये आ जाएगा 5000 एंड 5000। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 हमने कंप्लीट कर लिया। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था ये एंड इजी भी था। इसमें आप लोगों को बस यही ध्यान देना है कि जितने भी शेयर्स को फॉरफीट किए जा रहे हैं उसमें प्रीमियम मनी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। ओके, अलॉटमेंट के टाइम में प्रीमियम मनी इंक्लूड होगा क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम में कंपनी ने प्रीमियम मनी मांगा था एंड वसुंधरा ने पेमेंट नहीं किया था, तो उस टाइम में प्रीमियम मनी इंक्लूड होगा एंड सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट में प्रीमियम मनी इंक्लूड नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 47 हमने कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में 48 करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।